चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को खट्टी मीठी बोर का अचार बनाना सिखाऊंगी। तो इसीलिए मैंने 300 ग्राम सूखा बोर ली हूँ, और जिसको मैंने 2 मिनट पहले पानी के अंदर डाली थी, और उसको मैंने अभी अच्छे से क्लीन करके निकाल रही हूँ एक बर्तन में। और देखिए, और उसके जो बाजू में है इमली है, और इमली 250 ग्राम ली हूँ, और उसमें थोड़ा सूखा पत्ता उसका लगता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा पानी से हल्का धो के रखी हूँ। और उसके अंदर अभी हम गर्म पानी डालेंगे, तो इसीलिए मैं क्या की हूँ, एक बर्तन में पानी उबालने के लिए रख दी हूँ चूल्हे पे। तो पानी देखिए उबल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इमली में पानी ऐड करेंगे, और इसमें हम पानी बड़ा ग्लास से आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। ये मेरा ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए मैं पानी को निकाल दी हूँ। तो अभी हम बोर में क्या करेंगे, जो मैं इमली से जो पानी निकालूंगी, वो पानी को अभी मैं बोर के अंदर डाल दूंगी, और स्वाद के अनुसार मैं नमक डालूंगी, और उसको मैंने गैस चूल्हे पे उबलने के लिए रख दूंगी। देखिए, मैं चूल्हे पे रख दी हूँ, और स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दी हूँ। और देखिए, अभी हम उसको उबालने के लिए रख दी। तो जो मैं इमली ली थी, उसको हम हाथों से ऐसा मस करके रखेंगे। और देखिए, बोर हमारा अच्छे से उबल गया है, तो हम क्या करेंगे, इमली को जो मस करके रखे हैं, उसको हम उसके अंदर डालेंगे, और उसको हम अच्छे से मिला देंगे। ध्यान रहे कि गैस की आँच हमारा मीडियम हाई पे रहे। और देखिए, इमली का जो जूस थोड़ा उसके अंदर था बर्तन में, उसमें मैं पानी ऐड करके थोड़ा मिला दी हूँ। अब मैं फिर से उसको डाल के अच्छे से मिला दूँगी, और उसको पकने के लिए रख दूँगी। बीच बीच में हम उसको ऐसे मिलाते रहेंगे। देखिए, अभी इसका सूखापन भी आ रहा है, और ये अच्छे से पक भी गया है। हम उसको ऐसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो देखिए, बोर हमारा इधर पक रहा है। तब तक मैं क्या करूँगी, गुड़ जो है ना, वो मैं आधा किलो गुड़, यानी कि 500 ग्राम गुड़ ली हूँ, और उसके अंदर मैं छोटा ग्लास से आधा ग्लास पानी ऐड करके उसको मैंने मेल्ट होने के लिए चूल्हा पे चढ़ा दूँगी। और देखिए, ये जो मैंने बड़ा ग्लास से एक चौथाई भाग, मतलब चार भाग से एक भाग, यानी कि छोटा ग्लास से आधा ग्लास पानी चाहिए। और देखिए, इधर हमारा बोर भी पक चुका है, तो मैं गैस अप कर दी हूँ, और गुड़ मल्ट होने रखी हूँ। और इधर मैंने तीखा के हिसाब से सूखी मिर्ची ली हूँ, और जीरा मैंने 2 चम्मच ली हूँ, और इधर सौंफ है 2 चम्मच, आधा मैं सौंफ ली हूँ। और इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई करके तावा में ही थोड़ा उसको सेक के उसको मैंने पाउडर बनाऊंगी, और पीस के अचार में डालेंगे। तावा में उसको फ्राई कर चुकी हूँ, जीरा और मिर्ची को एक साथ पीसेंगे, इसीलिए मैं एक प्लेट में रखी हूँ। इधर मैं सूप को अलग से भून के रखी हूँ। इधर देखिए, हमारा गुड़ पक रहा है, इधर देखिए गुड़ पक रहा है, तो देखते हैं। देखिए, अभी एक गट्ठा नहीं हो रहा है, तो अभी उसको और टाइम है होने के लिए, अभी और पकेगा गुड़। और गुड़ को मेल्ट करते समय गैस की आंच को मीडियम हाई पे रखेंगे। अभी फिर से देखते हैं। देखिए, अभी ये थोड़ा हो रहा है, देखिए अभी हमको 2 मिनट पकाएंगे, देखते हैं। देखिए, अभी परफेक्ट हो गया है। देखिए, हमारा तो अभी हम गैस को ऑफ करेंगे, और ये गुड़ को बोल के अंदर डालेंगे। मिलाएंगे, तो देखिए गुड़ भी थोड़ा
गुड़ भी इसके अंदर मैं गुड़ मिला के रख ली थी। अभी देखिए मैंने इधर जो सूखी मिर्ची को ताव में फ्राई किया था और जीरा को फ्राई किया था दोनों को मैंने ग्राइंडर में एक साथ पीस ली थी, तो उसको मैं डाल रही हूँ। आप तीखा के हिसाब से मिर्ची को ऐड कर सकते हैं। और इधर देखिए ये जो है सौंफ का पाउडर, तो इसको हम अच्छे से थोड़ा मिला देते हैं। तो उसको मैंने अच्छे से मिला दी हूं। अभी हम इसके अंदर डालेंगे सौंफ का पाउडर। आप चाहे तो मेथी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ को गरम की थी उसमें ही मैं राई का तेल गरम कर दी थी, तो ये मैंने एक कटोरी राई का तेल ली थी। तो अभी हम उसको अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए ये अभी पूरा ठंडा हो गया क्योंकि मैं उसको ठंडा करने के लिए रख दी थी। तो अभी हम उसको कांच के डब्बा या फिर प्लास्टिक डब्बे में भर के रख सकते हैं। भर के रख देंगे धूप में 5 दिन के लिए, और बीच बीच में भी आप उसको धूप में रखेंगे तो भी बहुत अच्छा है। और उसको हम अभी 1 साल के लिए ये अचार को स्टोर कर सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है। आप ये घर में जरूर बनाइए। मैं उसको कांच के डब्बे में भर दी हूँ, और जो बाकी का जो बचा है उसको मैं एक और एक डब्बे में भर दी हूँ। तो ये बोर का अचार घर में जरूर बनाइए, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं फिर मिलूंगी आपको और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।